हेलो एवरीवन, खमागणी, वेलकम बैक टू माय चैनल आरती राठौर। ओ अभी बज रहे हैं सुबह के 10। ओह 10 बज गए हैं, पर अभी तक हमारा ब्रेकफास्ट बना नहीं है। और अभी 10 बजे तक तो ब्रेकफास्ट हो भी जाना चाहिए था, लेकिन हम इतने लेट हो गए कि अभी तक हमारा ब्रेकफास्ट बन ही रहा है। तो लेट होने का बहुत बड़ा कारण है हमारे पास में, क्योंकि हमारे अभी आए हुए हैं घर पर गेस्ट बीकानेर से, गुरु भैया, मलकीत, मलकीत के हस्बैंड। और एक्चुअली क्या है, मलकीत अभी हॉस्पिटल में एडमिट है, तो हम उसके लिए ही स्पेशली ये वेजिटेबल चीला बना रहे हैं। और गुरु भैया से अभी मैं आपको मिलाने वाली हूँ, और इतने इंटरेस्टिंग पर्सन है वो, अभी देखना तो सही उनको क्या क्या चीज़ें बनानी आती है और सिखानी आती है। अभी देखना क्या क्या आपको भी सिखाएंगे वो, मैं मिलवाऊँगी उनसे आप। और अभी ये वेजिटेबल मेरा चीला जो है वो एक नक्शा बन रहा है, क्योंकि मेरा आधा ध्यान वीडियो बनाने में है और आधा ध्यान इसको बनाने में है। ध्यान मेरा आधा आधा बट गया है, तो ये ऐसा ही बन रहा है। कोई बात नहीं, फर्स्ट चीला वैसे भी ऐसे ही बन जाता है मेरे से, खा लेंगे, क्या है, घर के ही तो आदमी है। चलो मिलवाती हूँ आपको गुरु भैया से। हमारे गुरमीत भैया जिन्होंने मुझे सब्जियां बनानी सिखाई है, और सिखाने के नाम से मुझे याद आया उन्होंने मुझे एक और चीज सिखाई है, चप्पल में सब कुछ डाल के मिक्स करके। यस, तो कौन सब्जियां खाता है ऐसे खाई देते हैं। लो जी रेडी है, खाओ, खा के बताओ नमक वमक सही है क्या? नमक तो सही होगा, वमक का पता नहीं। वमक का ही बताओ आप तो। मस्त बने। ओह माय गॉड, रियली अच्छा बना, टेस्ट अच्छा है। चलो मैं सोच नहीं रहा था कैसे खाएंगे। बिना कोई दही चटनी अच्छा लग रहा है। मैंने उसको वो खिला दिया था, वो क्या खिलाया था, खीरा, मिट्टी, मट्टी। हाँ ले तो सारी मिट्टी खा गया, तेन मेरे को रहा ना फिक्र रही थी। आप पत्ता गोभी नहीं खाते? खाते, खा लेती हूँ। तो पता नहीं कौन ले गई, नहीं मैं भूल गया। मुझे ना ऐसे मतलब इंस्टेंट लगा कि शायद